नागरिक सुरक्षा कोर के स्थापना दिवस के समापन समारोह के अवसर पर कोतवाली प्रखंड के वार्डनों के सम्मान समारोह का आयोजन बख्शीपुर स्थित एक कॉलेज में किया गया, जिसकी अध्यक्षता दर्जा प्राप्त मंत्री व व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन ने किया। इस अवसर पर लॉकडाउन के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले वार्डन को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा नारी सशक्तिकरण और समाज सेवा के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वालों को भी सम्मानित किया गया, जिसके संबंध में दर्जा प्राप्त मंत्री व व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन ने बताया कि लॉकडाउन के समय में नागरिक सुरक्षा के वार्डनों ने घर घर जाकर दवा पहुंचाया व भूखे व्यक्तियों को फूड पैकेट पहुंचाने का कार्य किया था। इसके अलावा लॉकडाउन के समय रात्रि में महुआ मंडी में संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए भी सभी व्यापारियों, आढ़तियों, पल्लेदारों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया गया था तथा सोशल डिस्टेंस का पालन करवाने का काम किया है, जो काफ़ी सराहनीय रहा। इस अवसर पर नागरिक सुरक्षा के चीफ वार्डन डॉक्टर संजय गुलाटी, वार्डन जितेंद्र देव उपाध्याय, अनिल कुमार गोयल, विकास जालान, मनोज कुमार मिश्रा, अखिलेश ओझा, संतोष श्रीवास्तव, नीरज कुमार श्रीवास्तव, अनूप सिंह, अरविंद कुमार गौतम, साधना श्रीवास्तव सहित अन्य वार्डन और गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए दर्जा प्राप्त मंत्री व व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन ने कहा, अपने छोटा रोजगार से और उनका स्कूल इस समय बहुत अच्छा चल रहा है। आजकल महिला सम्मान श्रीमती अंजन चौधरी जी को देना है, जो आप उनकी बहु अच्छे संरक्षण की भूमिका में हमारा नेतृत्व किया। हमारी पल में सफल हुई, हमारा उसका वर्जन किया और हर प्रकार से हमारी सहायता किया। हमें भोजन अपने पैसे उपलब्ध कराए, उनकी तरफ से ये सम्मान देकर हम सभी संगठन के बाद लोगों को गौरवान्वित। हम लोग के संरक्षक उन्होंने समस्त वार्डनों के लिए पिता की भूमिका निभाई। हम लोग ड्यूटी करते हुए सम्मान समस्त वार्डनों की तरफ से करें। इससे उन परिवारों को राहत मिली, ऐसे समाज सेवी का सम्मान करके ताकि हमारी ये महिला वार्डन चलती है। इन्होंने कोरोना काल के दौरान जहां इंसानों की मदद की, वहीं इन लोगों ने इसके बाद जीतन नाथ अग्रवाल जीतू जी से सीता सिंह जी ठीक है ले रहा भैया ठीक है जी श्री अभय जी आपका जी अच्छा ये देखते रहिए नाम लिया जा रहा है तो अपना अभी का कार ले ले पढ़ते रहिए इधर वो सही बात है हमारी तथा प्रिय अपने समाज को जाकर कर्मनता के समाज की सेवा की है। ये सही की क्योंकि आप लोग टाइम से आए पत्रकार ऐसे करना।
सर प्रशस्ति पत्र वितरण किया, किन किन लोग दिया, क्या जो है नागरिक सुरक्षा को गोरखपुर प्रखंड के द्वारा, और इसमें तीन प्रखंड हैं, गोरक्षनाथ, कोतवाली और सिविल लाइन, तीन प्रखंड हैं। तीनों प्रखंड द्वारा महानगर द्वारा आयोजित, जिसके हमारे चीफ वार्डन डॉक्टर संजीव गुलाटी जी हैं और उप नियंत्रक श्री सत्य प्रकाश सिंह जी हैं, उनकी पूरी टीम पूरे महानगर में कोरोना काल में जिन्होंने अच्छे कार्य किए और जिन्होंने सहयोग किया, उसके उपलक्ष्य में अलग अलग तीनों प्रखंडों द्वारा भीड़ इकट्ठा न हो कोरोना का संकट है भी, इसलिए अलग अलग बांट करके महानगर का अलग और तीन प्रखंडों का अलग अलग इस तरह से पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम और सम्मान का कार्यक्रम ये आयोजित है। इस जारी कामिया कैंपस में हम नागरिक सुरक्षा कोर के सम्मानित सभी जो लोग लगे हुए हैं, बंधुओं को, माताओं बहनों को बहुत बधाई देते हैं। इस कोरोना काल के संकट में जान की परवाह न करते हुए भी सब जगह घूम करके शहर में एक अच्छा वातावरण इकट्ठा किया और लोगों की मदद किया। मैं बुरी बुरी प्रशंसा करता हूँ अपने चीफ वार्डन डॉक्टर संजीव गुलाटी जी और उनकी पूरी टीम को, ताकि उन्होंने जो कार्य किया बहुत सराहनीय रहा। इस कोतवाली प्रखंड के डॉक्टर जितेंद्र उपाध्याय जी जो हैं, इन्होंने भी मैंने खुद देखा कि बहुत जगह मैं नहीं घूम पाया था, लेकिन यहाँ पर उनके द्वारा जो आयोजित 15-15, 20-20, 30-30 लोगों की टीम बना करके एक बार जब घूम रहे थे, इन लोग मेरे घर पर भी आए थे, उन्होंने देखा बहुत अच्छे ढंग से इसको निजी ढंग से पार कर रहे थे। यह जो है संस्था एक अच्छा कार्य कर रही है, और ये नहीं कि आज कोरोना है तभी काम कर रहे हैं, कभी बाढ़ आती है, कभी भुखमरी होती है, कभी और भी संकट आते हैं नगर में। ये तमाम त्यौहार आते हैं, दशहरा, दिवाली, होली, सभी मतलब कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, कार्य करते हैं। हम लोगों के रामलीला में भी, आर्य नगर की रामलीला होती है, उसमें भी पिछले साल इस साल में तरह नहीं करा थी, लेकिन पिछले साल आपके प्रखंड द्वारा काफ़ी लोग मतलब मदद किए, 15-20 लोगों की टीम पूरे मतलब 10-15 दिन तक रह करके कार्य की, तो बहुत मैं प्रशंसा करता हूँ और आप लोगों को साधुवाद देता हूँ। ईश्वर से ही कामना करता हूँ कि इस तरह से आपका टीम पूरे महानगर में एक अच्छा कार्य कर रही है और इसी तरह करती रहेगी। मैं ईश्वर से पुनः प्रार्थना करता हूँ।